हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद दीतिमन। 13 सितंबर को राजस्थान सरकार शांति एवं अहिंसा विभाग के द्वारा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक 50,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है, इंटरव्यू बहुत सारे स्टूडेंट के हो चुके हैं और अभी बहुत सारे स्टूडेंट के बाकी भी हैं, तो यहाँ नियुक्ति पर जो है वो रोक लगा दी गई है। लेकिन पूरा मामला जो है वो आप लोगों को सुनना है, क्योंकि यहाँ पर केवल नियुक्ति पर रोक लगी है, इंटरव्यू आपके जो चल रहे हैं वो बिल्कुल यथावत चलते रहेंगे। आप लोग पीछे ना हटें, आपकी जो डेट डिसाइड है आपके जिले में, तो आप लोग जरूर जाएं इंटरव्यू देने। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए ये है तो बहुत बड़ी खबर, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो राजस्थान में पहली बार जो है भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पर जो है एक न्यूज़ आई है, जहाँ जोधपुर के द्वारा जो है अंतरिम आदेश पारित करते हुए जो भर्ती प्रक्रिया है उसका रिजल्ट जारी करने और नियुक्ति दिए जाने का जो अग्रिम आदेश है उस पर रोक लगी है। साक्षात्कार जो हैं वो आपके यथावत चलेंगे, उस पर रोक नहीं लगाई गई है। 50,000 नियुक्ति होनी थी, महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति पर रोक लगी। जोधपुर राजस्थान हाई कोर्ट ने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के पदों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति प्रदान करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। 13 अगस्त 2023 की अधिसूचना के अनुसार प्रक्रिया में आगे बढ़ने की छूट दी थी कोर्ट ने सरकार को, लेकिन किसी को भी नियुक्ति नहीं दी जा सकती। जस्टिस अरुण भंसाली की एकल पीठ के समक्ष प्रतापगढ़ जिले के लच्छीराम मीणा और अन्य प्रेरकों की याचिका की सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जो है वो पारित किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के शांति एवं अहिंसा विभाग द्वारा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के पद पर जारी विज्ञप्ति 13 अगस्त 2023 के तहत नियुक्ति दिए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। तो इस चीज को जो है वो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। जिनके भी अभी इंटरव्यू नहीं हुए हैं तो बिल्कुल इंटरव्यू देने जाएं, साक्षात्कार जो है बिल्कुल देने जाएं, क्योंकि उस पर रोक नहीं लगी है। नियुक्ति का जो आदेश है इस पर रोक लगा दी गई है और अभी इस पर जो फैसला होगा तो इसका हम वेट ही कर सकते हैं। तो ये विद्यार्थियों के लिए खबर जो है वो अच्छी नहीं है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आदेश जारी होता है तो बिल्कुल आपको चैनल के माध्यम से पता चलेगा। थैंक यू।